Good morning, everybody. I welcome all of you in lecture number 3 of Statistical and Solid State Physics. Today, we will study about phase space. In last two lectures, you have introduced about the statistical mechanics, microstate, macrostate, thermodynamical probability, and so on. Phase space, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसमें is it mathematical tool? क्या गणित से भी इसका कोई लिंक है क्या? या टोटल अपने पास कहेंगे this is the mathematical? स्पेस की बात तो आपने सुनी है, यहाँ पे स्पेशल फेज स्पेस है। चलिए, किसी भी पार्टिकल का जो अपन अध्ययन करते हैं तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। सामान्यतः अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं जिसमें तीन ही कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन इस फेज स्पेस में आप देखोगे तीन की जगह छह कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये फेज स्पेस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से किस प्रकार से रिलेटेड है, किस प्रकार से अनसेंबल के लिए काम में आता है, सभी का अध्ययन अपन करेंगे। मैं कहूं कि फेज स्पेस एक पोजिशन मोमेंटा स्पेस है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट्स डिनोटेड QP space, in Cartesian like we can say the RP space, here Q and R represent the position and P represent the momenta. You are seeing this phase space coordinate system in this, in x-axis you are seeing here the xpx. Here ypy, here zpy. In this position के साथ साथ momenta को ले रखा है। इसे momenta एक conjugate quantity होती है, जो x के साथ px कंपोनेंट, y के साथ py कंपोनेंट, z के साथ pz कंपोनेंट आता है। तो उसमें अपन कहेंगे तीन अपने पास पोजीशन के कंपोनेंट्स हैं, तीन अपने पास मोमेंटा के कंपोनेंट्स हैं। इस कारण से अपन कहेंगे छह कोऑर्डिनेट्स इसके हो गए। क्लासिकल में q1, q2, q3 जिसको अपन पोजीशन कह सकते हैं, साथ इसको rp से भी अपन दर्शाते हैं, r पोजीशन वेक्टर, भी अपने पास मोमेंटम। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, जो फेज स्पेस है जिसको अपन पोजीशन मोमेंटा स्पेस कहते हैं, इसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक म्यू स्पेस, सेकेंड गामा स्पेस। म्यू स्पेस और गामा स्पेस, ये अपने पास दोनों क्या है, वैसे फेज स्पेस है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जो अपन म्यू स्पेस की अपन जो बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल। जब केवल एक ही पार्टिकल का अपन अध्ययन करते हैं तो फेज स्पेस को म्यू स्पेस कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल हो, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो, या अपन कहें कि एन पार्टिकल्स हो, तो उनका अध्ययन जिस फेज स्पेस में करते हैं वो अपने पास गामा स्पेस कहलाता है। एक में अपने पास एक पार्टिकल है, दूसरे में अपने पास सिस्टम है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं। म्यू स्पेस, इसे पार्टिकल सिंगल हो गए, पहले बता दिया, सिंगल मोनो
या डायटोमिक पार्टिकल। जो डायटोमिक पार्टिकल हो या मोनो पार्टिकल हो, होना चाहिए सिंगल पार्टिकल होगा। लेकिन इसमें गामा स्पेस में अपन कहें कि एन पार्टिकल होंगे, वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक पार्टिकल होंगे, एन इज ग्रेटर देन ऑफ वन। तो अपन कंक्लूजन क्या निकालें, दिस गामा स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ द म्यू स्पेस, वी कैन से। रियली में तो गामा स्पेस को अपन फेज स्पेस कहते हैं, वैसे इसकी ब्रांच है, म्यू स्पेस भी अपने पास क्या फेज स्पेस। लेकिन जब म्यू स्पेस आता है इसका मतलब वन पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब गामा स्पेस आता है तो अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, और वैसे अपने पास क्या है फेज स्पेस है दोनों कैटेगराइज। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि फेज स्पेस के डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन बात करते हैं तो उसमें तीन डायमेंशन होती है, तीन डायरेक्शन। इसी प्रकार से फेज स्पेस में क्या होगा, थोड़ा सा अपन डिफरेंट है, थोड़ा इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि फेज स्पेस को अपन दो स्पेस में कैटेगराइज किया, म्यू स्पेस और गामा स्पेस। तो म्यू स्पेस में अपने पास जो डायमेंशन जो अपने पास होगी वो अपने पास है 2f। f यहाँ पे क्या है, स्पेशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेशियल डिग्री यानी कि अपने पास स्पेस से संबंधित है, तो स्पेशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास वन डायमेंशन में क्या होगी, टू डायमेंशनल सिस्टम में क्या होगी, थ्री डायमेंशनल सिस्टम में क्या होगी। इफ यू टेक द वन डायमेंशनल सिस्टम जिसमें ओनली अपने पास क्या हो एक्स और पी एक्स, वन डायमेंशनल, जस्ट लाइक ए लाइन, लाइन है पार्टिकल अध्ययन कर रहा है, पार्टिकल सॉरी मूविंग कर रहा है, तो एक्स और पी एस पी एक्स अपन के म्यू स्पेस या अपन के फेज स्पेस में। लेकिन स्पेशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या है, वन। इसका मतलब डायमेंशन कितनी होगी, टू। वन डायमेंशनल जो सिस्टम है उसकी डायमेंशन अपने पास टू। इसी प्रकार से टू डायमेंशनल सिस्टम ले, एक पार्टिकल अपने पास एक एरिया में अपने पास गति कर रहा है, अपन कहें टू डायमेंशनल है, तो कोऑर्डिनेट्स अपने को जो जरूरत होगी फेज स्पेस में एक्स पी एक्स और वाई पी वाई जो आप देख रहे हैं, तो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स कितने अपने को इसमें जरूरत पड़ी, दो की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए, दो। तो उसकी डायमेंशन क्या हुई, टू एफ, टू मल्टीप्लाई टू यानी कि फोर। इस प्रकार जब थ्री डायमेंशनल केस अपन कंसिडर करते हैं, अपन म्यू स्पेस ले रहे हैं, ओनली एक ही पार्टिकल है, तो थ्री डायमेंशनल में अपने को तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या अपन के एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट्स और तीन मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। ये कोऑर्डिनेट्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी तीन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे संबंधित है ये बताया मैंने, स्पेशियल संबंधित। जनरली स्पेस में अपन एक्स वाई जेड लेते हैं, इसका मतलब अपने पास तीन है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, सिक्स, सिक्स डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशनल जो अपन ले म्यू स्पेस और थ्री डी सिस्टम जो अपन लेके चल रहे हैं उसमें सिक्स डायमेंशन होगी, जिसको सिक्स डायमेंशन स्पेस कहते हैं। अब बात करें अपन गामा स्पेस की, इसमें एन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। ये डायमेंशन को आप देख रहे हैं, मैंने दर्शाया एन मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ द म्यू स्पेस। म्यू स्पेस का मतलब वन पार्टिकल, वन पार्टिकल के डायमेंशन क्या है, इट मे बी वन डायमेंशनल, इट मे बी टू डायमेंशनल, इट मे बी द थ्री डायमेंशनल। यानी कि डायमेंशन ऑफ द गामा स्पेस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई टू एफ। टू एफ यानी कि जो सिंगल पार्टिकल की जो अपन बात कर रहे हैं उसके डायमेंशन। अगर पार्टिकल अपने पास दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई होगा, पार्टिकल तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई होगा, चार है तो चार से मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से अपन डायमेंशन ज्ञात कर सकते हैं।
फेज स्पेस के डायमेंशन। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अपन करेंगे फेज स्पेस क्या एक मैथमेटिकल टूल है और किस प्रकार से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ये रिलेट है, कहाँ इसकी अपने को जरूरत पड़ रही है। तो अनसेंबल भी अपन के एक टेक्निक्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, लेकिन उस अनसेंबल को किस प्रकार से काम में लें, किस प्रकार से उसको रियलाइजेशन करें, किस प्रकार से उसको रियलाइज करें। तो उसको रियलाइज करने के लिए फेज स्पेस काम में लेते हैं। फेज स्पेस अपने पास करें कि पोजिशन और मोमेंट आती है, कोऑर्डिनेट्स अपने पास आते हैं जस्ट लाइक द मैथमेटिकल। तो फेज स्पेस को भी अपन कह सकते हैं दिस इज द मैथमेटिक्स टूल दिस दैट रियलाइज द अनसेंबल, जो अनसेंबल को रियलाइज करता है कि अनसेंबल को किस प्रकार से अपन उसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो डेटाज अपने पास आते हैं। अनसेंबल तो आप जानते हो, ग्रुप ऑफ सिस्टम जो लास्ट लेक्चर में अपन अध्ययन किया, रेप्लिका ऑफ द नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, फेज पॉइंट अपने पास क्या होगा, फेज स्पेस है। फेज स्पेस के अंदर अगर एक पॉइंट अपने पास है तो वो एक पॉइंट अनसेंबल के एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम क्वेश्चन भी आ सकता है हाउ अनसेंबल इज रियलाइज्ड बाय द फेज स्पेस। फेज स्पेस का वन पार्टिकल जिसको फेज पॉइंट कर रहे हैं वो फेज पॉइंट एक अनसेंबल के सिस्टम के इक्विवेलेंट है। अनसेंबल का एक जो सिस्टम अपने पास है, अनसेंबल का नंबर ऑफ सिस्टम्स है, जब एक सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर से भी संबंधित होता है, माइक्रोस्टेट से संबंधित होता है, यानी कि वो फेज पॉइंट एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो माइक्रोस्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। माइक्रोस्टेट सिस्टम तो अपन कहें कि बहुत सारे अपने पास है, जैसे सिस्टम इस प्रकार से सिस्टम है, नंबर ऑफ सिस्टम्स अपने पास है, नंबर ऑफ सिस्टम्स है, एन सिस्टम्स है, एन सिस्टम्स है, लेकिन ये एक जो सिस्टम है ये एक सिस्टम एक फेज पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मैक्रोस्टेट तो अपन कहें एनवीटी सभी के सेम है, एक सिस्टम से संबंधित है तो अपन कहें कि एक फेज पॉइंट अपने पास उस माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अनसेंबल में तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ये पूरा मिलके अपने पास क्या बन रहा है, एक अनसेंबल बन रहा है जिसमें डॉट डॉट पार्टिकल ले रहे हैं, डॉट डॉट का मतलब असंख्य अपने पास सिस्टम है, इनको सभी को इंक्लूड कर लें तो अपने पास क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। जब एक फेज पॉइंट एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब ग्रुप ऑफ फेज पॉइंट्स, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स रिप्रेजेंट किसको करेगा, अनसेंबल को। ये अपन कहें कि नंबर ऑफ फेज पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को, या नंबर ऑफ सिस्टम्स को, जितने फेज पॉइंट है उतने उसमें सिस्टम होंगे। तो फेज पॉइंट मैथमेटिकल रूप से एनसेंबल के इक्विवेलेंट है। वन फेज पॉइंट इज इक्वल टू वन सिस्टम, टू फेज पॉइंट इज इक्वल टू टू सिस्टम, नंबर ऑफ फेज पॉइंट इज इक्वल टू अनसेंबल। Is it clear? Next. This phase point, जिसकी चर्चा बनने अभी की, टाइम से संबंधित हो सकता है। It evolves with the time. And time का evolution, कि time से संबंधित है, उसको किस प्रकार से represent करें? उसको represent करने के लिए Hamiltonian equation काम में लेते हैं। Classical mechanics में Hamiltonian equation का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। If phase point evolve with the time, then we use the Hamiltonian equation. Hamiltonian equation, generally you are seeing this is, both are read the Hamiltonian equation. Q dot P dot is equal to del H upon del P, or P dot is equal to del H upon del Q. Q और P अपने पास क्या है? Position and moment. तो आगे अपन देखें कि जो अपने पास फेज पॉइंट्स हैं
ये स्पेस के अंदर अपन कहें कि इनकी एक निश्चित गति टाइप हो, या एक अपन कहें कि एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब ये ट्रेजेक्ट्रीज एक पार्टिकल संबंधित, यानी कि उसका पथ एक पथ से रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिएगा कि अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, दिस 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 दिस, एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री दिस टाइप, दूसरे पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री दिस टाइप, तीसरे की इस प्रकार से ट्रेजेक्ट्रीज है, टाइम इवोल्यूशन है अपने पास। वो ट्रेजेक्ट्री अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि फेज पॉइंट्स टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंज है, किस प्रकार से टाइम का इवोल्यूशन है। ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि टाइम इवोल्यूशन ऑफ द फेज पॉइंट्स। इसको मैंने लिखा फेज स्पेस की जो ट्रेजेक्ट्रीज अपने पास है, ये दिस दिस दिस, जिसमें आप तीन देख रहे हैं, जितने पार्टिकल होंगे उतनी उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ये फेज पॉइंट्स के टाइम इवोल्यूशन के बराबर होती है। क्या ये फेज पॉइंट्स या सॉरी क्या ये ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि एंसेंबल के अंदर तो नंबर ऑफ सिस्टम्स रहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। अब एक फेज पॉइंट को अपन सिस्टम माने, पार्टिकल मान रहे, तो उससे संबंध एक ट्रेजेक्ट्री अपने पास है। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ट्रेजेक्ट्री इंटरसेक्ट करते हैं, तो एच इज इक्वल टू एस टी। एच यहाँ पे क्या, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करे तो हैमिल्टोनियन नॉट इज इक्वल टू एस टी, यानी कि हैमिल्टोनियन टाइम का फंक्शन नहीं है। हैमिल्टोनियन टाइम का फंक्शन नहीं है, हैमिल्टोनियन में जनरली अपन कहें कि अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को अपन लेके चलें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो अपने पास है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स ओनली द फंक्शन ऑफ द पोजिशन। नेक्स्ट अपन देखें, अगर ट्रेजेक्ट्री अपने पास इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं करती है, इसका मतलब एच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टाइम। इसका मतलब आप ये भी देख रहे हैं, दिस आप ये एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि वी इज नॉट द फंक्शन ऑफ आएगा, यहाँ पे वी इज ओनली फंक्शन ऑफ क्यू, वी इज नॉट नॉट द फंक्शन ऑफ क्यू वी टी, कि वी जो पोटेंशियल अपन बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स ओनली द फंक्शन ऑफ द क्यू। इक्वल दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इक्वल के क्रॉस लगेगा। तो पूरा जो अपने पास कहें कि अनसेम्बल को फेज स्पेस, ये अपने पास क्या है, फेज स्पेस है, अपन कहें दिस इज द फेज स्पेस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये फेज पॉइंट्स हैं, प्रत्येक फेज पॉइंट से संबंधित निश्चित ट्रेजेक्ट्री होती है। ये पार्टिकल अपन कहें दिस इज ट्रेजेक्ट्री दिस टाइप, दिस इज ट्रेजेक्ट्री दिस टाइप, दिस इज ट्रेजेक्ट्री एंड सो ऑन, नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज, जितने पार्टिकल हैं उतनी उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, उसकी पाथ होंगे, मोशन अपने पास करेगा। तो अब अपन कहें कि अगर असंख्य परमाणु असंख्य सिस्टम है, तो असंख्य अपने पास क्या होगी, उसकी ट्रेजेक्ट्रीज हो गई। तो ओवरऑल इफेक्ट अपन कैसे ज्ञात करें, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहती है कि फेज स्पेस के अंदर ऐसा उसका एक बिहेवियर जानने के लिए एक एवरेज ट्रेजेक्ट्री ली जाती है, जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, दिस इज द एवरेज ट्रेजेक्ट्री। उस एवरेज ट्रेजेक्ट्री जो अपन ने ज्ञात कर ली, या कहें उसकी प्रॉपर्टी जो अपन ने ज्ञात कर ली, एवरेज प्रॉपर्टी, तो ये असंख्य परमाणु संबंध जो अपने पास है, इस बिहेवियर को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या, बहुत सारे अपने पास पार्टिकल्स हैं, तो इसका एवरेज बिहेवियर अपन कैसे देखें। जिस प्रकार से एग्जाम्पल अपन लिया, किस प्रकार से अगर उसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज अपने पास हैं, या कोई प्रॉपर्टी हो सकती टाइम डिपेंडेंट अपने पास है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट अपन देखें, तो एक एवरेज प्रॉपर्टी से अपन देख सकते हैं, जो अपन इसको रिप्रेजेंट किया, उसका एवरेज अपन लेते हैं, और एवरेज पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। नीचे में लिखा भी है
जो इन्फाइनाइट ट्रेजेक्ट्री जब अपने पास होती है तो उसका एवरेज बिहेवियर का अपन स्टडीज करते हैं. दिस एवरेज ट्रेजेक्ट्री विल रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम. जो भी ओरिजिनल सिस्टम ले रहे हैं, जो नंबर ऑफ सब सिस्टम हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, एंसेंबल अपन मान रहे हैं तो नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं, उसके एवरेज बिहेवियर को ज्ञात करता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंस्टेड ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. यही तो अपने पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, कि जब असंख्य परमाणु है तो असंख्य परमाणु की अपन प्रॉपर्टीज कैसे ज्ञात करें, जिसकी माइक्रो स्ट्रक्चर अपन माइक्रो स्टेट्स अपन कैसे ज्ञात करें, तो उसका एवरेज बिहेवियर अपने को लेना होता है. और एवरेज बिहेवियर लिए अपने पास क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. इसी से अपन इसका रिजल्ट ज्ञात करते हैं. अब एक आपने सुना होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत. यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अपन कहें कि इसका पार्टिसिपेशन है इसमें, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो अपन ले रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम से संबंधित है. जब फेज स्पेस पोजीशन और मोमेंटम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आएगा. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आपको मालूम है, कि एक साथ पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, उनके मध्य कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती है. उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इतनी तो अनसर्टेनिटी उसमें मिलती है. तो फेज पॉइंट को अपन एग्जैक्ट पॉइंट कह रहे हैं, इसका मतलब एक ही समय के ऊपर पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये फेज पॉइंट, जिसको डॉट मैंने इसे दर्शा रखा है पॉइंट से, फेज पॉइंट्स, दिस फेज पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट सेल. जो क्यूब अपन देख रहे हैं, क्यूब अपने पास क्या, यूनिट सेल. यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फेज स्पेस के अंदर फेज पॉइंट होंगे, और फेज पॉइंट नहीं क्योंकि अपन कह रहे हैं कि यूनिट सेल होंगे. वन यूनिट सेल इज इक्वल टू वन फेज पॉइंट्स. यूनिट सेल वो जिसको अपन आधार मान के चलते हैं, और बहुत सारे यूनिट सेल जब अपने पास मिल जाते हैं तो फेज स्पेस बनाते हैं. तो क्योंकि ये पार्टिकल निश्चित शार्प पोजिशन नहीं होती, ये पार्टिकल इस क्यूब के अंदर, ये यूनिट सेल के अंदर कहीं भी हो सकता है. अपन डॉट से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है. देयर रिमेन द अनसर्टेनिटी. वो अनसर्टेनिटी को आपको पता ही है कि एक्स डेल पी एक्स जब अपन करते हैं, डेल एक्स और अपन कहें कि डेल पी एक्स इज इक्वल टू एस कैट बाय टू. कंजुगेट क्वांटिटी अपन लेते हैं उसमें. फिर अपने पास आया कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. जब फेज स्पेस में अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें छह कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन मोमेंटम से संबंधित, तीन अपने पास पोजीशन से संबंधित, यानी कि एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड. तो एक्स से संबंधित पी एक्स, वाई से संबंधित पी वाई, जेड से संबंधित पी जेड. और जब अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि क्यूब जो अपन यूनिट सेल मान रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन लें, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लें, तो साथ साथ में पी एक्स डेल पी वाई डेल पी जेड भी होगा. तभी तो अपन कहें कंजुगेट क्वांटिटी होनी चाहिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. तो एक्स से संबंधित अपने पास पी एक्स, वाई से संबंधित पी वाई, यानी इसी प्रकार जेड से. तो वॉल्यूम अपने पास क्या होगा, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वाई मल्टीप्लाई डेल जेड मल्टीप्लाई डेल पी एक्स मल्टीप्लाई डेल पी वाई मल्टीप्लाई डेल पी जेड. डेल एक्स और डेल पी एक्स अपन कहें कि ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्रॉस टू. तो इससे तो अपने पास बड़ा होना चाहिए, तो एस तो अपने पास एक स्मॉल एस क्रॉस से छोटी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इस एस से बड़ा होगा. तो एक मान लिया पूरा अपने पास कि यहाँ पे एस क्रॉस जहाँ अपन एस लेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी एस क्रॉस बाई टू से इक्वल या ग्रेटर देन होती है. तो एस की वैल्यू तो इससे भी अपने पास कहें, इसका मान अपन एस क्रॉस की जगह एस ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए. अब वन डायमेंशनल में इसका वॉल्यूम क्या होगा, वन डायमेंशनल तो एक्स और पी एक्स आता है,
तो अपन के वन डायमेंशनल में एच, टू डायमेंशनल में एच स्क्वायर और थ्री डायमेंशनल में एच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन फेज स्पेस, दिस यूनिट सेल आप समझिएगा, दिस यूनिट सेल रिप्रेजेंट द वन सिस्टम ऑफ द अनसेम्बल, वन सिस्टम अनसेम्बल बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, तो बहुत सारे फेज पॉइंट्स अपने पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसेम्बल को, बहुत सारे यूनिट सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनसेम्बल को, ये एक यूनिट सेल से संबंध बहुत सारे स्टेट्स रहते हैं, तो एक यूनिट सेल अपने पास कहेंगे माइक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये डिस्कशन चल रहा है माइक्रो स्टेट से मैक्रो स्टेट कैसे ज्ञात करेंगे, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से थर्मोडाइनमिक्स अपन कैसे यूज करें वेरिएबल्स, तो फेज स्पेस अपने पास एक मैथमेटिकल टूल की बातें व्यवहार करता है, ये फेज स्पेस ये है जिसके द्वारा अनसेम्बल को रियलाइज कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में अपन अध्ययन करेंगे, आगे आपको बता देंगे।